बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सादिक मलिक साहब, जो कि न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री के मौजिद हैं। सादिक मलिक साहब ने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में पेशन गोइयाँ की जो कि तकरीबन दुरुस्त साबित हुई हैं। हमने इससे पहले भी सादिक मलिक साहब के साथ एक व्लॉग किया, हमने उस वक्त उनसे पूछा था पिछले महीने के खान साहब की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। उस वक्त भी उन्होंने हमसे कहा था कि फ़िलहाल इनको गिरफ्तारी नज़र नहीं आ रही और ना अहली भी नज़र नहीं आ रही। और नाज़रीन, इस वक्त तक जब हम व्लॉग कर रहे हैं, एक माह बाद इमरान खान की ना तो गिरफ्तारी हुई है ना नाअहली हुई है। सादिक मलिक साहब, सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सर अल्लाह करम। अच्छा, आपसे मैंने मुखातब होकर कुछ कहना है। पहली तो बात यह है कि मेरी बहुत पेशगोइयाँ दुरुस्त हुई, मैं दुरुस्त और गलत के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बात याद रखिएगा कि पेशगोई होती है या नहीं होती, उसकी कोई परसेंटेज नहीं होती। एक बात जहन में आ गई। अब दूसरा आपने याद रखना है कि अगर गलती से 2 + 2 = 4 5 कह देता है और उसको दुरुस्त कर लेता है तो ये गलती थी, और गलती जैसे ही ख़त्म होती है तो गलती का वजूद ख़त्म हो जाता है। अब वो एक गलती की बुनियाद के पीछे बंदा छुपकर ही ना बैठा हो जो बंदा ही गलत हो। बिल्कुल ठीक है सर। और उसी गलती का कि एक गलती हो सकती है सहारा लेकर आगे निकलता रहे। मेरा एक टेन्योर चल रहा है 2018 और 2018 से लेकर मैं उसी अपने एक साथ लेकर चल रहा हूँ, जो मेरा एक अपना सिलसिला है, जिसे यूँ कहिए कि बयानिया है मेरा, मैं उसको साथ लेके चलता हूँ। उसके मुताबिक अब खां साहब जो आखिरी चंद गेंदें रह गई हैं फेंक रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टेस्ट मैच खेलते हैं, मैं टेस्ट मैच खेल कर आए हैं। अगले टेस्ट मैच की हम पेशगोइयाँ करेंगे वल्लाह अलम बिस्सवाब। बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहला सवाल आज का ये है कि खान साहब ने टिकटॉक ज्वाइन कर ली, जो कि एक बहुत मशहूर ऐप है, और टिकटॉक पे आकर उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। तो सर उस पर तो थोड़ा सा रोशनी डालें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ टिकटॉक नहीं, बल्कि मैं बहुत पिछले प्रोग्रामों से कह रहा हूँ कि खान साहब सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं। सेलिब्रिटी जहाँ जाए यूँ करके लिख कर कागज़ पर दे दे और वो कागज़ को कुछ अर्सा बीत जाए तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर में बिक जाता है। इसका मतलब है कि हम जब बात करते हैं सेलिब्रिटी की, तो सेलिब्रिटी तो जो भी काम करेगी उसके रिज़ल्ट इस तरह से आएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए बहुत नई बात है, लेकिन मेरे लिए रूटीन की, इसलिए कि मैं मुकद्दर को रोज़ होते देखता हूँ और बेशुमार पॉलिटिशियन के साथ सेलिब्रिटी से भी मिलता हूँ। वल्लाह अलम बिस्सवाब। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जो ये टिकटॉक पे 26 घंटों में 2 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने फॉलोअर्स ले लिए हैं और रिकॉर्ड बनाया टिकटॉक हिस्ट्री में, इसमें जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान के जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे? जेन्युइन नॉन जेन्युइन का चक्कर उस वेले पड़ेगा कि जिस वक्त एक आदमी 3 आईडी चला रहा है तो 2 फेक हैं। अगर वो अपने नाम से नहीं किसी दूसरे नाम से एक आईडी चला रहा है और एक ही बंदा है और एक ही आईडी है, बेशक किसी नाम से बनी है, तो वो कोई फेक आईडी नहीं। अब मुझे पता नहीं आप किस फेक की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमने देखा है पाकिस्तान में जो तर्ज सियासत है वो थोड़ा तब्दील हो गया है। पहले जलसे जुलूस होते थे, अब असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होने के करीब आ गई हैं, 1 माह से भी कम वक्त रह गया, लेकिन जलसे जुलूस नज़र नहीं आ रहे। खान साहब ने टिकटॉक भी ज्वाइन कर लिए और दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो भी अपने सोशल मीडिया सेल बना रही हैं। तो आपको लगता है पाकिस्तान में जो सियासत का तरीक़ेकार है बदल गया, वो जलसे जुलूसों की जगह सोशल मीडिया पर आ गए, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम और ट्विटर्स, और ये क्या आपको लग रहा है इस तरह से वोटर्स को एक्टिव किया जा सकता है? सीने ठंड पा देती है। पता क्यों? इसलिए कि 2018 से मैं कह रहा हूँ कि 2025 तक एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाने जा रहा है जो गैर लसानी, गैर कबायली तो होगा लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा, जिसे मखलूत मुआशरा कहते हैं। अब आप जिस तरफ जा रहे हैं वो मखलूत मुआशरे की मंजिल है, और ये अगले 2 साल के बाद मुकम्मल होने के बाद यूँ करके ऐसा ऐसा अपना मुकम्मल बेस बनाती चली जाएगी और जीने का स्वाद आ जाएगा और निकम्मे को काम करना पड़ेगा। वल्लाह अलैहिस्सलाम। ठीक है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज। इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, वो तकरीबन 1.5 माह गुमशुदा रहे और वो मंजर आम पर एकदम से आए और उन्होंने आते ही इमरान खान पर जो है इल्ज़ामात की बौछाड़ कर दी। और साइफ़र के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो एक ड्रामा था और ये इमरान खान ने जो रचाया था तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए, उस पर हुकूमत जो है वो बहुत एक सख्त मौक़िफ़ लेकर आई कि खान साहब को अब तो ज़रूर सज़ा मिलेगी, इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने जो है ये सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज़म खान के स्टेटमेंट हैं या आज़म खान के जो इल्ज़ामात हैं, इन पे कोई कार्रवाई या कोई बहुत सख्त कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है आपको? जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ काम करने वाले ग्रेड 22 के अफसरों ने वादा माफ़ गवाह बन के जिस जगह तक ले गए सब जानते हैं, लेकिन अब नहीं होगा इसलिए कि अब मुआशरा तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। अब शिकंजे जो हैं वो टाइट किए जाएंगे, उन शिकंजों को फंदा नहीं बनने दिया जाएगा। इस किस्म की सिचुएशन पैदा होगी। वल्ला अलैहिस्सलाम। अच्छा सर, आपने एक बात ध्यान में रखना है कि आप मेरे सुनने वाले ये बात याद रखिएगा कि मैं एक तो तबसरा नहीं करूँगा, एक कानून की किताबें नहीं पढ़ कर आया जो मैं आपको कानून की किताबें बताऊँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेश गोई करूँगा और पेश गोई होती है या नहीं होती। 2 तरह की पेश गोई होती है, एक इल्हामी और एक इल्मी। मैं इल्मी पेश गोइयाँ करता हूँ, इल्हामी पेश गोइयाँ नहीं करता। वल्लाह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो अब आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इतना सख्त बयान आया है सामने कि हर कीमत पर सज़ा मिलेगी इमरान खान को, इस तरह से राणा साहब, मेरे और आपके दरमियान सन 1988 का मोहब्बत का रिश्ता है। सन 1988 में आप कहा करते थे कि मलिक साहब, मैं और फैसलाबाद के इतने बड़े बड़े लोग, तो मुझे जितना बड़ा आदमी कहते हो मैं किस तरह से बन सकता हूँ। मुकद्दर के खेल को किसी ने होते देखा हो ना देखा हो, आपने देखा है कि वो 1988 वाले सनाउल्लाह को जब मैं कहता था कि राना साहब इस मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत बनने जा रहे हैं, तो आप फैसलाबाद की चंद एक तहसीलों से निकल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मैं आपको तो जवाब जो मैंने देना दे दिया, अब मैं सुनने वालों को ये जवाब देता चलूँ कि दुनिया में हर चीज़ जो है उस जगह पे मुकद्दर खेलता है। 8 को मुकद्दर खेलता है तो 10 को भी मुकद्दर ही खेलता है। मैंने मुकद्दर को एक एक सेकंड में होते देखा है। जहाज़ ऊपर निकलता है, चंद सेकंड के बाद नीचे गिर जाता है। मैंने वहाँ भी मुकद्दर को होते देखा है। इसलिए वल्लाह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पे तो पाबंदी उनको आने नहीं देते, तो सोशल मीडिया पे वो अक्सर बेशतर तकरीर करते हैं और अपने जो सुनने वाले उनसे ख़िताब करते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ़्तारी तो किसी भी दिन हो सकती है, कोई अगर एक बेल भी मैं नहीं ले सका तो मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या मेरी पार्टी को इलेक्शन में कंटेस्ट करने दिया जाएगा। तो सर, आप क्या समझते हैं अपने इल्म की रोशनी में कि तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद कंटेस्ट करेगी? 14 के बाद सियासत का चलन बदलता हुआ देख रहा हूँ। आप सिर्फ सियासत की बात करते हैं। 14 अगस्त के बाद सर, 14 अगस्त के बाद सियासत का चलन बदलते हुए देख रहा हूँ। आप सिर्फ सियासत की बात करते हैं। सर, ये आप हमारे नाज़रीन को एक बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान की सियासत है। मेरे अपने इल्म फ़न के मुताबिक जो बनता है वो मैं कह रहा हूँ। बाकी ये ब्रेकिंग न्यूज़ का किस्सा जो है ना, ये वीडियो ने डाला है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डाला है कि सबसे पहले फलां बंदा मर गया और इन्होंने न्यूज़ ब्रेक की। नहीं, मैं न्यूज़ ऐसे ब्रेक करने पर यकीन नहीं रखता। लेकिन सर हमारे नाजरीन जो हैं वो आपने अब खबर तो ब्रेक की है सर, ये बड़ी खबर है क्योंकि हम तो साफ़ी हैं, मीडिया वाले हैं, तो मैंने पेशगोई की। तो सर ये जो पेशगोई है बिल्कुल ठीक है सर, ये पेशगोई हम ये जानना चाहते हैं, सिर्फ हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि जो 14 अगस्त के बाद सियासत का चलन बदल रहा है तो ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में होगा या मज़ीद मुश्किलात और उनके मसाइल जो उनमें इजाफा होगा? आपका सवाल बनता है, असूली तौर पर बनता है, इसलिए बनता है कि 2018 में भी सियासत का चलन बदला था। 2018 में जो बुनियाद रखी गई उस बुनियाद को अब देखें कि पॉलिटिक्स की लेयर्स किस तरह से बन के आई हैं 2023 तक। मुस्तकबिल का मुआशरा जो तश्कील पाने जा रहा है वो मखलूत मुआशरा है, जो गैर लसानी गैर कबायली तो है लेकिन गैर मजहबी नहीं, वल्लाह अलम बिस्सवाब। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। सर आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ उनको मैसेज दे दें। मैं कौन होता हूँ जी मैसेज देने वाला, झुग्गी नशीन फ़कीर दरवेश, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।